दिल्ली पुलिस के बुधवार को कांग्रेस मुख्यालय में घुसने और पार्टी नेताओं से कथित बदसलूकी पर बड़ा बवाल पैदा हो गया है। वहीं कांग्रेस ने आज इस मामले की शिकायत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर की है। हमारे जितने भी नेता हैं, चिदम्बरम जी हो, वेणुगोपाल जी हो, शक्ति सिंह जी हो और जे भी मेहता हो और हमारे दूसरे लोग जितने भी MPs को उनके मार कर धकेल के किसी की फसली टूट गई है, किसी के पैर पे चोट लगी है, ये जो हुआ है ये इनह्यूमन है। एक तरफ तो हमारा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, दूसरे तरफ लोकतंत्र का हरण हो रहा है, तीसरे तरफ संविधान के तहत भी वो नहीं काम करते। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये एक प्रिविलेज मोशन को वो लोग तरीके से देखें और हमारी रक्षा करें। इसलिए आज हम हमारे उपराष्ट्रपति के पास आए थे, हमारे चेयरमैन है और हमारी रक्षा करना उनका धर्म है और वो बुला के पूछना चाहिए क्यों उनको डिटेन किया गया है, ये गलत है। तो इसका हम खंडन भी करते हैं, साथ ही साथ अगले कार्रवाई के लिए जब पार्लियामेंट शुरू होगी उस वक्त तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम चेयरमैन साहब को अपने तरफ से एक पिटीशन दिए हैं। वो उन्होंने कहा मैं इसको एग्जामिन करता हूँ, बुलाता हूँ सेक्रेटरी को, बुलाकर डिटेल सारी चीज़ें उनसे लेकर मैं आगे की कार्रवाई आपको बताऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा।